त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने आज अगरतला चेक पोस्ट क्षेत्र के पास निर्माण हो रहे लाइट हाउस परियोजना का जायजा लिया। अगरतला पूरे भारत के उन 6 शहरों में से एक है जहां ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया कार्यक्रम के तहत 1000 घर बनाए जा रहे हैं। काम 1 साल की अवधि में पूरा किया जाना था, लेकिन महामारी के चलते परियोजना तय समय पर पूरी नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दिसंबर 2022 तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी। कल परियोजना की लागत लगभग 162,50,000 रुपए की है और प्रत्येक आवास घर की लागत लगभग 13,69,000 रुपए होगी। शहर के 1000 गरीब परिवारों को ये घर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जो देश में 6 जगह पे ऐसा लाइट हाउस तैयार हो रही है, इसमें से त्रिपुरा एक है और अगरतला एक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, न्यूजीलैंड के भूकंप रोधक टेक्नोलॉजी है, और इसमें जो घर जो बनना है ये इसका समय सीमा 1 साल की है, किंतु कोविड के कारण से इसका काम ही शुरू किया अप्रैल 2021 में काम शुरू किया है। तो अभी जो मेरे सामने डेटा तैयार किया, जो 2022 नवंबर और मैक्सिमम दिसंबर तक हो जाएगी। The cost is equivalent to the traditional, but the USP is that technology is you can complete the project in very speedy, and it's called green building. So there is very less utilization of concrete. So the carbon emissions is very zero, and you can the even temperature, environment, climate condition it's very good than the normal technology. And who is the residents in that building? They are very comfort from the heat and cold also. Total cost is with the dwelling unit and total infrastructure like external everything is 162.5 cr. But the dwelling unit cost per unit is 13.69 lakhs only.